गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हिंदी लैंग्वेज पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट का बुक ओपन कीजिए। पार्ट का नाम है नाम वाले शब्द, पार्ट 5। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, संसार में जो कुछ भी है सभी का कोई ना कोई नाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम न हो, और नाम से ही सबकी पहचान होती है। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा कि संसार में कुछ भी होता है, कुछ भी सभी का कोई ना कोई नाम होता है, और बिना नाम के किसी की पहचान नहीं होती है। जैसे कि मान लो आपका नाम है तो आपको आपके नाम से ही जाना जाता है ना। आपके मम्मी पापा हैं या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको उनके नाम से ही पहचानते हैं। या अपने संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसका नाम होता है और नाम से ही हम उसको जानते हैं और पहचानते हैं। चित्र देखिए, ये चित्र देखो, ये चित्र किसका है जानते हो ना आप सभी, इनके नाम से ही जानते हो, महात्मा गांधी। ये है सानिया नेहवाल, विराट कोहली। समोसा, झूला, अजगर, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सभी नाम संज्ञा है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का या स्थान या जगह का नाम, सबको हम उनके नामों से ही जानते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आइए, अब देखो व्यक्तियों के नाम, मीरा, नीरा, सलीम और भगत सिंह। वस्तुओं के नाम, कुर्सी, पंखा, जूता। स्थानों के नाम, मंदिर, विद्यालय, अस्पताल। भावों के नाम, मिठास, खुशी और दुख। आपने देखा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि सभी के नाम हैं। इन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर की वर्कशीट आपको भेज दी जाएगी। हैव ए गुड डे एंड बाय।